हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑफ फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी। क्यों मैं ऐसे फिन निफ्टी पहले कह रहा हूँ? ऑफकोर्स फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अब तक जो भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है बहुत फैंटास्टिक गई है। जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी की हेजिंग स्ट्रैटेजी, नेकेड पुट कॉल दिए है, एनालिसिस किए हैं, वो बहुत अच्छे चलते हैं। तो डेफिनेटली कल हम बहुत अलर्ट रहेंगे 12:30 के बाद, ताकि हम वापस एक अच्छा खासा सुपर हिट एनालिसिस कर सके। और सुपर हिट एनालिसिस से याद आया कि आज दो एनालिसिस किए थे, निफ्टी पुट, बैंक निफ्टी पुट, और जो मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी सिखाई है आप लोगों को। तो क्या आप लोगों ने आज पैसे कमाए? अगर पैसे कमाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना कि कितने पैसे कमाए। एंड टुडे इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे, जैसे एनालिसिस किया था वैसे ही मार्केट चला। एंड अगर बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, जो अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे ही सुपर हिट एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक कर हमारे फैमिली को ज्वाइन करोगे। जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। वीकेंड में यू टर्न का जो कंसेप्ट बताया था, क्यों मुझे लग रहा था मार्केट बेरिश है, ये आप देख सकते हो चाहिए तो। और ऐसे ही एनालिसिस मैं अच्छे खासे आज भी करने वाला हूँ। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो प्लीज़ सोच समझ के मनी मैनेजमेंट के साथ, अगर हो सके तो पेपर ट्रेडिंग करना, रियल ट्रेडिंग करना है तो भी प्रॉपर सोच समझ के करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और देर किस बात की, चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को यहाँ से हटा दूँगा। और यहाँ पे आप देखोगे ना, S&P 500 का एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। अब S&P 500 जो कि मैं ऑलमोस्ट समझता हूँ ये ग्लोबल मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है, आप देखोगे नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, बट इतना भी कुछ फंटास्टिक चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखोगे ना, ये ट्रेंड लाइन है। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तब हम देखेंगे, फिलहाल कुछ भी सही नहीं है। आप देखोगे भले 0.9% से S&P ऊपर जा रहा है, बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होगा। यहाँ पे अगर देखोगे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी क्रिएट किया है, ओके, ये रेड कैंडल ने। और अब दूसरा जो वॉल्यूम है जो बनने वाला है वो हमें कल देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत टफ होगा, ये मीन्स रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल को क्लोज होना। बट अगर हो गया बाय चांस, कल सुबह डेफिनेटली देखना, ट्रेडिंग व्यू है, SPX है, तो फिर क्या होगा, तो मार्केट डेफिनेटली ट्रेंड लाइन तक चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आने वाले 2-3 दिन निफ्टी के लिए थोड़े से बुलिश हो सकते हैं। तो यही S&P बता रहा है। कल मैं इसको वापस देखूंगा। मुझे लगता है कि मॉर्निंग का थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, बट जो बैंक के एक के बाद एक गड़े हुए मुर्दे निकल आ रहे हैं, आपने देखा रहेगा, सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट बैंक, बाद में SVB बैंक, इतने सारे बैंक्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो और एक जस्ट बैंक अगर निकल गया तो ये वापस के वापस नीचे आ जाएगा। सो देखते हैं कल क्या होता है, मॉर्निंग को ही देखना। अभी ये चालू है, ऑलमोस्ट 5-6 घंटा और चलेगा। चलो निफ्टी पे जाते हैं। निफ्टी का एनालिसिस मैं पहले क्या करूँगा, आवरली चार्ट में आपको कुछ ना कुछ व्यू बता के ही छोड़ूंगा। ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा आप एनालाइज करना, ये जो है, ओके, ये जो पार्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब निफ्टी इसके ऊपर चली जाएगी, यानी कि लगभग 17,145 के ऊपर चली जाएगी, तब टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर जाएगी, रीटेस्टिंग करेगी,
और फिर हम देखेंगे कैसे होता है। बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो गया है, 18,000 जाने वाला है, ये सब कुछ नहीं है। ये टेम्पररी, ये जो फॉर्मेशन है ना उसको कंप्लीट करेगी। इसका मतलब क्या है, तो मे भी 17,400-17,500 पे जाके वापस घूम सकती है। ओके, तो ये लॉजिक समझ लेना। इसके ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होना इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई करेगा। इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये छोटे इसमें बताता हूँ। देखो, इसका मतलब क्या है कि ये जो मूव है, ये जो मूव है, ये वापस इसके नज़दीक जाएगा। और अब के बार कहाँ तक जाएगा, तो ये देखो 17,300 और फिर वापस आएगा। बट फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा वीकनेस है कि 17,300 तो छोड़ दो, 17,000 के ऊपर जाएगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। ओके, कंसेप्ट समझ में आया क्या कह रहा हूँ? डोंट कंसिडर कि अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया तो सब कुछ फंटास्टिक होगा, बिल्कुल नहीं। ओके, आगे देखेंगे। ओके, अब फिलहाल जो मार्केट ने मुंह ऊपर के तरफ लेके गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ तक लेके जाएगा, 17,090। तो आप यहाँ पे 17,090 तक थोड़ा सा अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में रेजिस्टेंस किधर है, डेफिनेटली 17,120 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो वापस नीचे आने के चांसेस है। ओके, अगर 17,120 के ऊपर चला गया, ओके, अगर नोट करना 17,120 के ऊपर चला गया, तब हम देखेंगे कि जब वापस नीचे गिरता है तो क्या ये ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा मैंने ऊपर का गेम प्लान आपको समझा दिया। फिलहाल देखो, डेफिनेटली देर इज सम बुलिशनेस इन मार्केट। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक न्यूट्रल कैंडल भी बनी थी, पिछले वाला जो पावरफुल रेड कैंडल है उसके ऊपर उड़ गया है, और यहाँ पे अब मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। 17,090 तक जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ओके, ये एक जस्ट व्यू है। आपको एक्चुअल अगर एनालिसिस एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे, व्हाट्सअप कम्युनिटी में जब मैं 15 मिनट्स में एनालिसिस करूंगा आपको पता चलेगा। अब नीचे के डायरेक्शन में एक बार वापस देखते हैं। मैं 15 मिनट्स में देखूंगा क्योंकि आवरली में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। 15 मिनट्स में क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक है ना, ये देखो, थोड़ा सा समझ लेना, ये एक नहीं नहीं करके डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जाके अब के बार अगर ये ब्रेक कर दिया इसने, तो फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे और नीचे जाएगा। बट आज का जो मूव आया वो ज़ाया नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, मीन्स डोंट फील कि क्या मार्केट तो रिवर्स हो गया, मार्केट कंफ्यूजिंग है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, मार्केट हमेशा एक पैटर्न के साथ मूव करता है, वो पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। अब आप देखो इतना ज़्यादा इधर बाइंग प्रेशर है। ओके, अब अगर मार्केट यहाँ से ही घूम जाता तो मैं कहता कि नहीं अभी मार्केट बुलिश हो गया, बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ने क्या किया है, नीचे ऊपर जाके यहाँ पे जो बाय ऑर्डर्स है वो खा लिए है। ओके, और ऑफ कोर्स ये बाय ऑर्डर्स अभी भी ताकतवर थे, इसके लिए मार्केट को टेम्पररी ऊपर लेके गए हैं। बट जैसे ही मार्केट वापस नीचे आएगा तो अब के बार ये बाय ऑर्डर्स मोर और लेस ख़त्म हुए रहेंगे, और फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो अच्छा खासा नीचे आएगा। तो मैं क्या इंतज़ार कर रहा हूँ कि मार्केट 17,072 या 17,090 तक जाए, और वहाँ पे जब मुझे रेड कैंडल दिखाई दे, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 आवर में, तब मैं ये वाला 16,875 का वापस टारगेट रख सकता हूँ। होप आपको मार्केट का हर एक गेम प्लान पता चल रहा है।
ओके, मार्केट का बुलिशनेस का भी है, बट ऑब्वियस जब इसके ऊपर जाएगा, रीटेस्टिंग करेगा और ऊपर जाएगा। बट फिलहाल जो ये मार्केट का अप मूव आया है, दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे। मार्केट ने नीचे तोड़ने को चाहा, बट पेंडिंग ऑर्डर्स पावरफुल थे, इसके लिए मार्केट थोड़े समय के लिए ऊपर गया है। अब नेक्स्ट मार्केट का मूव कहाँ पे रहेगा? 16,450 पे। और जिस तरीके से ओवरऑल वीकनेस है ना ग्लोबल मार्केट बैंक्स में और ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ये आ सकता है। ओके, दिस कैन हैपन, बट नेवरदलेस हमें क्या करना है, छोटे छोटे ट्रेड लेना है, इतने बड़े ट्रेड्स अभी के लिए नहीं सोचने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। होप आपको निफ्टी का पूरा गेम प्लान मैंने समझा दिया है। आप यहाँ पे देखोगे ना S&P 500 भी मुश्किल फेस कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो बैंक निफ्टी का कुछ अलग ही मसला है। ये वापस मैं निकाल देता हूँ। अभी तक का एनालिसिस कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली द लॉजिक, ये लॉजिक हमेशा वैलिड रहता है। ओके, अब बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी क्या है, ये ओवरशूट है। बैंक निफ्टी मोस्टली अगर देखोगे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये ओवरशूट है, अब ये चार। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी गई, और आपको मालूम है निफ्टी से हमेशा बैंक निफ्टी ऊपर जाती है, हमें क्या देखना है, जब ये नीचे आएगी तो क्या ये पॉइंट पे रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर गई तो फंटास्टिक, थोड़े समय के लिए यानी कि ये पॉइंट तक और ऊपर जा सकती है, 39,800 आ सकता है। बट अगर ये नीचे गई तो ये वाला स्टॉप फर्स्ट टारगेट 39,150 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 38,980 का, और फाइनल टारगेट 38,800 का आ सकता है। तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर ये ट्रेंड लाइन के वापस बैंक निफ्टी आवरली चार्ट 15 मिनट्स के चार्ट में नीचे आ गई, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, आज की तरह अच्छा खासा मैं कमाऊंगा, और ये मिलेगा आपको, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बहुत अलर्ट रहना, नहीं समझ में आ रहा है ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप कम्युनिटी, मैं आपको जब भी सही समय रहेगा ये एनालिसिस का इंट्राडे का एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट बता दूंगा। ऊपर के लिए मैंने आपको कहा था 39,300 पे जब रीटेस्टिंग होगा ये सही समय है एक अच्छा खासा 500 पॉइंट ऊपर के लेने के लिए। फिलहाल क्या है, तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि मॉर्निंग को मैं इतना इमिडिएटली ट्रेड नहीं करूँगा, और ये जो मॉर्निंग की जो मूव है वो 39,600 के ऊपर नहीं जा सकती है। बट जो बेस्ट मूव आएगी वो रीटेस्टिंग करके जब आएगी तब रहेगी। ओके, तो ये भी हो गया। अब आइए देखते हैं फिन निफ्टी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट? बहुत पैसा बन सकता है अगर हम सही एनालिसिस करें। तो फिन निफ्टी में क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो फिन निफ्टी, दिस इज़ ऑल फुल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ऑल फुल ऑफ रेजिस्टेंस, और दिस इज़ ऑल फुल ऑफ सपोर्ट। तो ये रेंज में ही फिन निफ्टी घूमने के चांसेस है ऊपर के, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो ऊपर के डायरेक्शन में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 17,640 के आसपास ये मूव ज़्यादा से ज़्यादा, और नीचे के डायरेक्शन में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 17,400 के आसपास। ये रेंज में ही घूमेगी, और हमें ऐसे ही चाहिए, हमें फिन निफ्टी ऐसे ही चाहिए ताकि यहाँ पे जब घूमे तब हम वापस अपनी हीरो ज़ीरो या हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, यहाँ पे घूमे आइदर ऊपर या नीचे वापस हम अपनी हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। तो जिधर भी घूमे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें यही सोचना है कल के दिन में हमारा पैसा डबल कैसे हो सकता है। सो थैंक्स अ लॉट, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो भाई, कर दो सब्सक्राइब, लाइक करना, बेल बटन हिट करना। अभी भी अगर पैसा कितना कमाया छुपा के रख रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा है, इमिडिएटली कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, और मैं सबको मिलूँगा कल यही व्हाट्सअप पे, और हम वापस एक बढ़िया ट्रेड लेंगे जैसे आज लिया था।